अस्सलाम वालेकुम, आपके लिए मैं बनाने लगी हूँ आज कश्मीरी चिकन कढ़ाई। उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा काम था जो मैंने करने के लिए रख दिया है। मैंने सिंपल चिकन लिया है, उसको वॉश करके मैंने एक प्याली पानी, अदरक लहसुन पिसा हुआ, नमक और चिकन डाल के इसको कुक होने के लिए रख दिया है। ये जो है ये कुक हो रहा है। आई मैं अब आपको इसके, अब इसके जो बाकी मसाले हैं उनमें ये देखें, ये आपको ये एक पाउडर सा नज़र आ रहा होगा। ये मैंने क्या किया है, मैंने बादाम लिए हैं और नारियल का बूरा जो होता है वो लिया है खुशक, उसको मैंने पीस लिया अच्छी तरह, बादामों को और नारियल के बूरे को। अगर आपके पास खशखाश है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है तो इसलिए मैंने ये नहीं डाली है, नहीं तो इसकी रेसिपी में खशखास भी डलती है। तो मैंने उसकी जगह पर बादाम और नारियल का बूरा डाल लिया, और इसमें जाएगी हरी मिर्च और काली मिर्च कुटी हुई, और साथ में इमली का पेस्ट। सिंपल रेसिपी है, अभी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि जब वो पानी खुशक होगा तो उसके बाद हम उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे और इसको किस तरह से हम कुक करेंगे। तो ये थे सारे कश्मीरी चिकन कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स। अब ये देखें जी, ये इसका पानी जो है ये खुश्क हो गया। तो अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने बादाम और नारियल का भूरा जो पीसा था ये हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ऑयल या घी जिसमें आप बनाना चाहें, घी में बनाएंगे तो और मज़े की बनती है। और अब हम थोड़ी देर इसको भून लेंगे। अब ये देखें जी, मैंने जो ऑयल डाला था और बादाम और जो सारा डाला था वो हमारा भून भुना गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्चें 7 से 8, और साथ ही हम इसमें इमली का जो अपना पानी है, ये इमली को हमने भिगो के रखा हुआ था और इसका पल्प जो है वो हम इसमें डाल रहे हैं। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।